नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हम आगरा ग्वालियर रोड से गढ़ी ठाकुर दास जाने वाले लिंक रोड पर, और यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने शासन प्रशासन से सड़क के निर्माण की मांग को लेकर कई बार एप्लीकेशन दी है और इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम इन लोगों के बीच पहुँचे हैं और यहाँ की हालात दिखाएंगे, यहाँ की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ किस प्रकार की लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार रोड पर देखिए गंदगी का अंबार है, तो वहीं रोड फूटी हुई दिखाई दे रही है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ पूरा मामला है, और ये सब तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ की जनता से आपको रूबरू कराएंगे कि इस सड़क निर्माण के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ प्रयास किए हैं और किस प्रकार के आश्वासन मिले हैं। तो चलते हैं जनता के दरबार में। मैं द्वारिका निवासी शशि तोमर हाउस नंबर 62 से बात कर रही हूँ। देखिए सर, मोदी सर ने ये अभियान चला रखा है, स्वच्छ अभियान चला रखा है, और जो रोहता रोड है, जो घड़ी ठाकुरदास की घड़ी में जाके मिलता है, वहाँ पे एंट्रेंस में ही बहुत गंदगी है, जिसके कारण अभी हम कोरोना से गुजर के चुके हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों का हमने सामना किया है। और यहाँ पर इस रोड पर बहुत गड्ढे हैं, जो कि ADA इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने कई बार शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं आ रहा है वहाँ से। यहाँ पे मलेरिया और अन्य वायरल रोग बहुत फैल रहे हैं, और हम लेडीज़ को आए दिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत पानी भर जाता है बरसातों में, और नॉर्मली भी थोड़ा बहुत घरों का पानी यहाँ पे कटा हुआ है, जिसके कारण क्या है कि स्कूटी स्लिप हो जाती है। मैं परसों सब्जी लेकर आ रही थी तो मैं स्लिप हो गई और मेरे पैर में काफ़ी चोट लगी है, जिसके कारण मैं बहुत परेशानी भोग रही हूँ। मैं दीपक पाल श्री द्वारिका कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं हम लोग पिछले विगत 4 वर्षों से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं इस रोड को बनने का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, इतना पानी भर जाता है कि बच्चों को, स्कूल निकलने वालों को, पैदल चलने वालों को भी हम रोड पार नहीं कर पाते हैं, और महिलाएँ सब्जी लेने के लिए जाती हैं तो सब्जी नहीं ला पाती हैं। और ये समझ लीजिए आप, हम लोग इतना परेशानी है कि हम 2-3 बार ADA प्रशासन पर भी जा चुके हैं, अपनी मांगों को रख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आगे चल के हम लोग अपने जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं बेबी रानी मौर्य जी, उनके प्रतिनिधि हैं यशपाल राणा जी, उनसे भी कई बार 2 बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आगे चल के हमारी एक रणनीति और है कि हम चल के अब विधायक जी को अपना ज्ञापन देंगे और मंत्री जी को ज्ञापन देने के साथ, ये 80 फुटा रोड पास है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 3 ADA अप्रूव्ड कॉलोनी है, और यहाँ पर आगे स्टेडियम भी है और सेंट पीटर्स कॉलेज है, बड़े बड़े नामी कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग अपना सुध नहीं ले रहे हैं, जबकि यहाँ चारों तरफ मोदी सरकार का एक ही नारा है कि चहुंमुखी विकास और स्वच्छ भारत अभियान। आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान में क्या हालत है, रोड घुसते ही एंट्री, यहाँ पे सब्जी मंडी भी लगती है, महिलाएं आती हैं यहीं पे, लोग पुरुष लोग पेशाब वगैरह करते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है महिलाओं को, गंदगी फैलती रहती है। तो मैं तो चाहूँगा ये रोड बने, और हम यहाँ से आगे अगर नहीं रोड बनती तो हम इसका बहुत बड़ा स्तर पर आंदोलन करेंगे। हरिवंश सिंह, क्या मामला है? ये मामला ये है सर, ये ग्वालियर रोड से सीधी देवरी के लिए लिंक रोड जाता है ले ठाकुरदास होते हुए, लेकिन यहाँ पर निकला नहीं जा, आसपास कूड़े पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, और बरसात में तो ये आदत होती है कि हमें खड़े होकर देखना पड़ता है कि कोई लिफ्ट मिल जाए, नहीं तो कभी कभी हाथ पैर भी टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, रोज़ाना होते हैं सर। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इस कार्य को अविलंब रूप से लिया जाए। मैं लायक सिंह श्री द्वारका कॉलोनी से बोल रहा हूँ, और मतलब जो मैंने मतलब 2 बार मतलब जो मोबाइल के माध्यम से जो यशपाल राणा जी को 2 बार मैंने मतलब फ़ोन किया, 3 बार किया, उन्होंने कहा कि मतलब जो ये रोड बन जाए, पहले तो मेरे से कहा उन्होंने कि रोड किसके अंतर्गत आता है, मैं ये रोड जो PWD के अंतर्गत आता है, बोला कौन सा रोड है, मैं ठाकुरदास गढ़ी वाला रोड है ये, उन्होंने मेरे से आश्वासन दिया कि 1-2 महीने बन जाएगा, इस बात को मतलब मोबाइल पर फ़ोन पर बात करी, मैंने 5-6 महीने हो गए करीब, और अभी तक मैंने ही मुझे सुनवाई नहीं की इन्होंने, ना मेरे से कोई अभी तक बात की, उसका कोई सेटिस्फेक्शन मुझे को जवाब दिया। आप गए थे वहाँ मिलने के लिए? नहीं, मैंने मोबाइल के माध्यम से मैंने उनसे बात की थी। और कहीं शिकायत की है? और ADA भी मतलब मेरे साथ दिया, हमारे कॉलोनी के मतलब उन्होंने भी मतलब शिकायत की है,
मतलब रोड के लिए, वो कहते हैं उसमें गड्ढे बहुत हैं इसके अंदर, बरसात में बहुत पानी भर जाता है और निकलने कई बार गिर पड़े हैं, मतलब जो फ्रैक्चर भी हो गए हैं मतलब जो के लोगों के, और बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को, मगर ये लोग मतलब बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई नहीं कर रहे हैं। प्रताप सिंह, क्या मामला? मैं श्री द्वारका कॉलोनी का रहने वाला हूँ और ग्वालियर रोड से गढ़ी ठाकुर दास के लिए जो रोड जा रहा है वो रोड इतना टूटा फूटा और गड्ढे युक्त है कि बरसात के दिनों में तो निकल नहीं सकते, और मोटरसाइकिल सवार स्कूटर सवार धड़ाधड़ गिरते हैं, चोट लग जाती है। अभी भी निकलने के लिए बिल्कुल सड़क जो है बहुत ख़राब है, सड़क के किनारे 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 बहुत गंदगी पड़ी है, कूड़ा पड़ा हुआ है, ना तो कूड़े की सफाई होती है ना ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मैं ADA प्रशासन से और PWD वालों से यह निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इस सड़क का निर्माण कराएं, अन्यथा हम लोग अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है। मैं क्या मामला है? मामला यह है कि ये जो है गढ़ी ठाकुर दास जो है प्रस्तावित 80 फुट मार्ग है, और ये जो है काफ़ी दिनों से जो है जर्जर हालत में, 2.5-3 साल हम लोगों को इधर रहते हुए हो गए, जिसकी हमने जो है जनसुनवाई पोर्टल पर 2 बार शिकायत भी की है, 1 बार जो है हमने जो है ADA डिपार्टमेंट में की थी तो उन्होंने बता दिया था कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, PWD क्षेत्र में आ रहा है। जब हमने PWD में शिकायत किया तो वहाँ से भी हमें जवाब मिला कि ये जो है ADA में आ रहा है। पता नहीं प्रशासन कौन किसके पाले में गेंद को फेंक रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ADA वाले कह रहे हैं PWD में आ रहा है, PWD वाले कह रहे हैं ADA में आ रहा है। अब हम करें तो करें क्या, इस टूटी हुई सड़क में आए दिन जो हादसे होते रहते हैं, बरसात में जो है बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, पैदल नहीं निकल सकते यहाँ तक, और आप देख रहे हो गंदगी का काफ़ी अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। ये नगर निगम ने यहाँ पर जो है लिख रखा है कि यहाँ कूड़ा फेंकना जो है जुर्माना है, तब भी लोग गंदगी से बाज नहीं आ रहे लोग। ये हाँ जी, यहाँ पर जो 2 से 3 कॉलोनी ADA अप्रूव्ड है, एक हमारी श्री द्वारका है, उसके आगे निर्वाणा है, और उसके आगे जो है विनायक टाउन भी है, ये ADA अप्रूव्ड है सारी कॉलोनी है। ADA ने 24 फुट का रोड पास, 60 फुट का रोड प्रस्तावित है, 24 मीटर का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ताजनगरी आगरा में चहु और विकास कराए जा रहे हैं, और विकास कार्यों की बात की जाए तो आगरा ग्रामीण में सड़कों का जाल बिछा दिया है, परंतु इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा ग्वालियर रोड से ठाकुर दास जाने वाले लिंक रास्ते पर, और आपको बता दें इस लिंक रास्ते की हालत आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में किस प्रकार यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेरों के अंबार के चलते यहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो साथ ही साथ देखिए सड़क में यहाँ डावर देखने को नहीं मिलेगी, आपको गिट्टियाँ ही गिट्टियाँ और गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन गड्ढों में राहगीरों को चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और राहगीरों ने बताया है कि इन गड्ढों से होकर जब वो निकलते हैं तो उनके वाहन भी टकरा कर गिर जाते हैं और कभी कभी चोटिल भोजे हो जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही साथ उन्होंने ADA प्रशासन से भी अपील की है कि इस रोड पर 3 ADA अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, ADA अप्रूव्ड कॉलोनियों को स्वीकृति देने के बाद इस पर ADA की ओर से कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।